ग्रामर की जान देने हेठों तरीको मुनासिब मिसाल से बयान कर रो आया जी बार सुठे नमूने ग्रामर समझी सन सीखी सन जैमें बार शुरू का वही ग्रामर की समझानी पेंडल है एक खास तरकीब ग्रामर इन में शुरू का ही सीखे जी अस जान मिले इन ही फिर सीखने की कोशिश क आयोवेदिया जाए लिपि या अल्फबे यानी अल्फाबेट उन्हें आवाज़न की शक्लिन के चबो है जी हर एक जबान में घट या घो होंद आयोवेदिया या आयोवेदिया लिपि या अल्फबे यानी अल्फाबेट उन्हें आवाज़न की शक्लिन के चबो है जी हर एक जबान में घट या घो होंद मसलन अंग्रेजी जबान या अंग्रेजी बोली उनमें घना अखर उनमें छवी अखर सिंधी बोली में बावंजा अखर अरबी और उर्दू जबान में उनटी अखर पश्तो जबान में टेहत्तर अखर उ अखर या निशान से लिखजन थी उन शक्ल या निशान के अखर या हर्फ अंग्रेजी जबान में लेटर्स चबो है। नंबर बो अखर ग्रामर में अखर ताके चबो है वो क्या लिखबो उन शुरुआत क्यों थी कड़न हर्फ निशान से अलिफ बे अलिफ बे के आवाज़न के बावंजा शक्ल दिन व्यून हर एक शक्ल या निशानी एक अकेले आवाज़ की तस्वीर कर दिनी वही है आवाज़न के उन निशान या शक्ल के अखर या हर्फ पुछबो है चार्ट में अभी बावंजा अखर या निशानी दिनी जी सिंधी अल्फाबेट जो मिली नंबर टे सिंधी अखर की तरतीब तो उड़ी तरतीब का लिखा वादा किथा शुरू थी किथे खत्म कड़े नमूने हूँ उनकी शक्ल सूरत कड़ी होंगी अस उनके क्या समझा सकूँ हेट चार्ट में दिनल इतने अल्फा का ये ती अल्फाबेट दिनल ये असल में सिंधी अल्फाबेट बावंजा अखर जी शक्ल या निशान से जाहिर थे जी अस सिंधी ग्रामर में पिण मिलन थी मथे दिनल अल्फाबेट में या अल्फबे में ब अखर अड़ा जिन में पेरे अखर का पोए हे दिनल है उ अखर ही आन जे ए जे झिरकी ए घोड़ो पर उए अखर पढ़ने में जे घे जो आवाज कढ़ा क्या कढ़ा जैसे अस जे झिरकी पढ़ूँ तो उनमें जे जबर से ही या घे घोड़ो पढ़ूँ तो उनमें घो घे दिखाया हुआ भी जबर से ही जो घे घोड़ो हरफ जे ए घे उन कुछ निशान दौर कुछ लफ्ज ठाया तो जे का की आवाज़ निकल जे जे झिरकी जे झूलो जे झली उन बो अखर घे घे घर घे घोड़ो घे घणो मथे दिनल अल्फाबेट में बिन अखर अगया नून जो आवाज़ समायल है उ अखर हेठ बीजन था अड़ा अखर ये उखर जी जिनमें नून तो पर लिखण में जाहिर ना मिसाल ये माना मुन या ये जन ये सिंह या ये मुंग
हाँ ये अड़ा अखर जिन में नून पवन पर अस लिखा तो जाहिर न पर पढ़ में उनको आवाज समायल हों इन बिन्हीं जहा हर्फ हेट दिनल जिन में अस कुछ लफ्ज ठाया ये अस एक अखर ठाया लफ्ज ठाया जिन में उनमें नून उच्चार किया ये प्लस नून प्लस ये हाँ यह थी जिन जैसे अस उन लिखा तो उन नून गायब थो जाहिर में लिखबो ये ये तो जन उनका बो लफ्ज आ रंज रुन हाँ रुन में भी अस जैसे गलूँ था या पढ़ूँ था तो उनमें नून जो आवाज़ समायल है पर जैसे अस लिखा तो पुछा थी रे प्लस नून प्लस ये लिखा तो रुन रे ये उन ये अस सिंह तौर पढ़ा ये सिंह हाँ सिंह में भी नून जो आवाज़ समायल तीन प्लस नून प्लस ये अस जैसे लिखा तो नून इन में गायब थो जारी तौर अस नजर इन सिंह जैमें सीन ये अड़े तरह बो लफ्ज आ मुंग हाँ मुंग में भी मीम प्लस नून प्लस ये हाँ इन मुंग में भी नून जो आवाज़ समायल जैसे अस पढ़ा मुंग पर अस जैसे लिखा तो नून गायब थो लिखबो मीम ये मुंग इन लिपि या अल्फाबेट में कुछ अड़ा भी लफ्ज इन जी अल्फाबेट इन लिपि अल्फाबेट में कुछ अड़ा लफ्ज भी आन जी अल्फाबेट की तरतीब में शामिल तो कोन मगर अल्फाबेट में बिल्कुल मौजूद आन एंजो अलग निज ए निरालो उचार भी रखन था उन जायद अखर चबो है कड़ो अखर चबो है जायद यानी कि ज्यादा जायद अखर में अड़े हाँ अड़े जैसे अस पढ़ा तो अड़े कि पढ़ना उनका गुड हे भी इंदी पर हे होंगी उनमें गायब होंगी अड़े के टिन अखर नारो लफ्ज भी चबो है यानी कि जैसे भी अस अड़े लिखा तो उन पेर अखर का गुड बो भी होंगे हे भी इंदा मिसाल तौर अड़े का लिखूँ अड़े जो हर्फ लिखो अड़े हे हाँ उनमें कुछ लफ्ज आ मिसाल तौर पढ़ण हाँ पे प्लस रे प्लस हे प्लस लून हाँ जैसे अस लिखा पढ़ण हाँ इन पे जो टे अखर उ टिन अखर तौर सुझाता वादा यानी कि रे जो टिन अखर वो हर्फ आ घन अखर हर्फ आ टिन अड़ी तरह अड़े बो लफ्ज भी लिखो चढ़ण के प्लस रे प्लस हे प्लस लून चढ़ण अड़ी तरह टों अखर भी दिनों अड़े सा मढ़ण या मढ़ण हाँ इन में भी पैरिया टे अखर मीम प्लस रे प्लस हे प्लस लून मढ़ण यानी कें मतों जोर दबाव की काशे रखण मथे दिन टिन अखर वाला लफ्ज सदाइंदा जिनके अस जायद अखर सदींदा बारह ही अज ताई असो ग्रामर जो वर्क हो इनशाला अगते भी वादी जैसे कॉपरेट क हाँ तरू कम होमवर्क बारो मथे ग्रामर के मिसाल से गुड कापी से लिखा अल्फाबेट में पे टीन हरफन अलिफ बे से पंज पंज लफ्ज ठाए उन टे जुमला ठाईंदा ग्रामर कापी में लिखंदा मेहरबानी।